हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं नारुतो के 10 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसे सुनने में शायद तुम्हें मजा आने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। अब जैसे कि हर नारुतो फैन जानता है कि रामेन नारुतो का फेवरेट फूड है। अगर वो चाहे तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में रामेन ही खाए, जिस वजह से नारुतो इचिरा को रामेन का लॉयल कस्टमर भी बन गया। इतना तो सबको पता ही है। बट डू यू नो गाइस, नारुतो का नाम जैपनीज फूड नारुतो माकी पर बेस्ड है, जो कि टॉपिंग्स को कहा जाता है जिसे रामेन में डालकर खाते हैं। उसके मिडिल में रेड या पिंक कलर्स के कुछ स्पाइरल डिजाइंस होते हैं। अब खाया तो है नहीं, वरना टेस्ट भी पता होता। बाय द वे, तुम्हें रामेन गाय पसंद है तो वीडियो को लाइक करो। फैक्ट नंबर 2। जैपनीज वर्जन में नारुतो को सीरीज में दो वॉइस एक्टर्स ने आवाज दी है। एक जुंको तकेयुची, आई होप प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, जिन्होंने बहुत सारी सीरीज में कई मेल कैरेक्टर्स को अपनी आवाज दी है, जैसे कि 1999 में आई हुई हंटर एक्स हंटर के मेन कैरेक्टर गॉन फ्रीज को। उसी तरह पूरी सीरीज में नारुतो, नारुतो शिपुडेन एंड बोरुतो में भी जुंको तकेयुची ने ही नारुतो को अपनी आवाज दी है। सोचने वाली बात है, जब सारी सीरीज में इन्होंने ही आवाज दी है तो दूसरे वॉइस एक्टर की क्या जरूरत थी। देखो, जरूरत थी। नारुतो को एक और वॉइस एक्टर ने आवाज दी है, एमा कोगुरे, जिन्होंने नारुतो के सेक्सी जुत्सु वाले वर्जन को आवाज दी है। फैक्ट नंबर 3। नारुतो जब होकागे बना तो वो खुद को ऑरेंज होकागे के नाम से बताता है, तो फैंस को लगा नारुतो ऑरेंज कपड़े पहनता है इसलिए वो खुद का नाम ऑरेंज होकागे कह रहा है। बट फैक्ट ये है कि नारुतो अपने पेरेंट्स को ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है, उजुमाकी क्लैन एंड कुशीना उजुमाकी को, जिनके हेयर का कलर रेड होता है। और मिनाटो की बात करें तो मिनाटो के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी कंफर्म पता नहीं है, लेकिन मिनाटो का हेयर ब्लॉन्ड है। कुशीना का रेड कलर और मिनाटो का ब्लॉन्ड येलो कलर इज इक्वल्स टू ऑरेंज होता है। अब जिसने अपने जीवन में थोड़ी बहुत कलाकृति की है, उन्हें पता होगा कि ऑरेंज कलर इस तरह से बन सकता है। वेल, ये रीजन है नारुतो को खुद को ऑरेंज होकागे बुलाने का। नेक्स्ट पॉइंट, फैक्ट नंबर 4। पता है गाइस, नारुतो का उसके पेरेंट्स से मिलने वाले एपिसोड्स कभी नहीं बनते अगर ये नहीं होता तो। नारुतो के राइटर मसाशी किशिमोतो ने अपने राइटिंग के प्रोसेस के दौरान लोगों को बताया कि उनका डिसीजन पहले ऐसा था कि नारुतो अपने पेरेंट्स को कभी नहीं जान पाए ताकि वो अलग रहे। बट जब मसाशी किशिमोतो खुद एक पिता बने तब उनका डिसीजन बदल गया। किशिमोतो के अपने बच्चे के साथ रिश्ते के वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि नारुतो भी अपने माता पिता के साथ रिश्ता रखे। फिर वो नारुतो को मिनाटो और कुशीना से मिलाने के तरीके के बारे में सोचने लगे कि किस तरह से नारुतो को उसकी फैमिली से मिलाया जाए। कई मैटर्स में नारुतो को उसके पेरेंट्स से मिलाने के लिए टाइम ट्रेवल कराने का सोचा गया था, फिर बाद में चक्रा का सपोर्ट लिया गया। वेल, अगर ऐसा दिखाया जाता तो स्टोरी आज थोड़ी अलग होती और मेरी राय में चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती, पर मजा नेक्स्ट लेवल का होता। फैक्ट नंबर 5। जापान में एक थियरी है, कहा जाता है कि ह्यूमन का ब्लड टाइप उसकी पर्सनैलिटी को इंडिकेट कर सकता है, यानी कि इंसान के ब्लड टाइप से उसकी पर्सनैलिटी कैसी है बताया जा सकता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो पता नहीं, पर उसी तरह नारुतो के डाटा बुक में भी कैरेक्टर्स को लेकर ये थियरी चिपकाई गई है। नारुतो डाटा बुक के अकॉर्डिंग नारुतो का ब्लड टाइप बी है, जिसकी पर्सनैलिटी इररिस्पॉन्सिबल, इम्पेशेंस और सेल्फिश होते हैं, और जिनका ब्लड टाइप बी होता है वो पैशनेट, क्रिएटिव और फ्रेंडली भी हो सकते हैं। सीरीज के स्टार्टिंग में नारुतो में पहली 3 पर्सनैलिटी लोगों के द्वारा देखी गई थी, जबकि बाद वाले का एग्जाम्पल नारुतो के कई हीरोइक और अचीवमेंट्स के बाद दिखना शुरू हुआ था। इंटरेस्टिंग। खैर, आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 6। सीरीज में नारुतो को शुरू से ही साकुरा पर क्रश था, पर साकुरा को सास्के के लिए फीलिंग्स थी और हिनाटा को नारुतो पर क्रश था, और इन फ्यूचर नारुतो के साथ हिनाटा की शादी हुई भी, जिनका सन बोरुतो एक फोकल पॉइंट बन गया नेक्स्ट सीरीज के लिए। साथ ही सास्के और साकुरा की भी एक बेटी हुई। बट जितने भी लोग नारुतो को काफी पहले से देख रखे हैं, उनको हमेशा से ये लगता था कि एंड देन साकुरा के साथ नारुतो की वेडिंग होगी, और उन फैंस में से मसाशी किशिमोतो के एक बहुत करीबी को भी यही लगता था, और वो करीबी कोई और नहीं, उनकी वाइफ थी। उसके बाद जब मसाशी किशिमोतो 2015 में न्यूयॉर्क के कॉमिक कॉन में दिखाई दिए, तो उन्होंने द लास्ट नारुतो द मूवी नारुतो हैड फॉलन फॉर हिनाटा को रिवील किया। यहाँ तक कि उनकी वाइफ भी सरप्राइज हो गई। उनकी वाइफ को ये ठीक नहीं लगा, फिर किशिमोतो ने अपनी वाइफ को शांत कराने के लिए ये कहा कि वो हिनाटा को तुम्हें देख के बनाए हैं, जबकि रियलिटी में उन्हें साकुरा की पर्सनैलिटी अपनी वाइफ से मिली थी। सही है भाई, हैशटैग किशिमोतो। फैक्ट नंबर 7। डू यू नो गाइस, नारुतो जो गॉगल्स अपने फोरहेड पर पहनता था उसे बनाने में बहुत वक्त लगता था। देखो, जब नारुतो की मांगा फर्स्ट टाइम रिलीज हुई थी तो लोगों को नारुतो का डिजाइन काफी पसंद आया था, ऑरेंज आउटफिट एंड फोरहेड पर एक गॉगल्स। बट एज यू नो, वो गॉगल्स ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकी। एक बार नारुतो को अपना लीफ हेडबैंड मिल जाने के बाद उसने गॉगल्स हटा दिया था, क्योंकि उसे अपना न्यू स्टेटस शो ऑफ करना था। लेकिन सिर्फ यही रीजन नहीं था नारुतो के गॉगल्स हटाने के पीछे। यस बिल्कुल, मसाशी किशिमोतो को नारुतो के वो गॉगल्स बनाने में बहुत वक्त लग जाते थे, और गॉगल्स हटाने से किशिमोतो को अपने मांगा पेजों को बनाते वक्त उनका समय बचता था।
फैक्ट नंबर 8, शुरू में तो नारुतो सास्के के बहुत नीचे था, इस वजह से नारुतो सास्के को अपना राइवल बचपन में ही बना लेता है और सास्के भी विलेज छोड़ने से पहले खुद भी नारुतो को अपना सच्चा राइवल मान चुका था। किशिमोटो को हमेशा से पता था कि नारुतो अपने रियल क्लाइमेक्स पर पहुंचेगा। जब सास्के ने नारुतो को अपने बराबर का समझा फिर दोनों के बीच फाइट देखने को मिली। हालांकि सास्के जानता था कि नारुतो यही चाहता है। किशिमोटो ने इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया कि नारुतो इस बात को लेकर कभी परेशान नहीं था कि वो वहां तक कैसे पहुंचेगा। उन्होंने इस प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा करके पूरा किया जब तक कि ये तय नहीं हो गया कि दोनों दुश्मन के रूप में लड़ेंगे या दोस्त के रूप में, बट एंड देन वो खुद को भाई भाई मानने लगे। फैक्ट नंबर 9, नारुतो का मोस्ट पॉपुलर वर्ड दत्तेबायो, जो कि हर नारुतो देखने वाले ने नोटिस किया होगा अगर सीरीज जैपनीज में देखा होगा तो, जो कि नारुतो का एक बोलने का स्टाइल है और इस वर्ड को इंग्लिश डब में बिलीव इट बोला गया है। हालांकि फैक्ट ये है, दत्तेबायो वर्ड का कोई करेक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। नारुतो का अपना एक अलग अंदाज बनाने के लिए नारुतो के क्रिएटर इसे किसी जैपनीज वर्ड से लिए है, वैसे ही जैसे किलर बी का रैपिंग एक स्टाइल है खुद को शो करने का। फैक्ट नंबर 10, देखो जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जहाँ वीडियो गेम्स, मूवीज और एनिमेशंस पर बहुत ही स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगाने का रूल है और यही सेम रूल नारुतो की सीरीज पर भी लागू है, जहाँ निंजा के ब्लेड एनिमेशन से हटा दिए हैं। जब आप जर्मन डब देखते हो तो ब्लेड फाइटिंग सीन्स ऐसे लगते हैं जैसे कैरेक्टर्स हवा में लड़ रहे हो। ये कई मैटर्स में काफी अजीब भी लगते हैं। अच्छा है भाई, हमारे यहाँ इस तरह के समझदार लोग नहीं रहते हैं। अब यार अगर यहाँ तक के वीडियो देखे हो तो मैं तुम्हें कहना चाहूंगा थैंक यू वेरी मच। कमेंट में सिर्फ इस थैंक यू का रिप्लाई लिख देना। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक करते जाना और अगर तुम्हारे ग्रुप में एनिमे रिलेटेड फ्रेंड्स हैं तो उन्हें भी इस वीडियो को शेयर करो। और एक लास्ट चीज, आई होप इन फ्यूचर हम और अच्छे कंटेंट लेकर आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में।